हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एस जी वराइटीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ये व्यूअर्स की बहुत दिनों से डिमांड थी, हरे धनिए की चटनी, जिसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जिसको आप समोसे पकौड़े के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इसी तरह से सभी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं जब भी नई नई रेसिपीज़ को डालूंगी उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, और इसी तरह से सभी रेसिपीज़ को देखने के लिए नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और पास में दी गई हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नई नई रेसिपीज़ को डालूंगी उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगा। और अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और इनको क्या करेंगे हम पानी में भिगो देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये जब फूल जाएंगे ना तो इसका छिलका जो है ना आपको आराम से उतर जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ धनिया लिए जिसको धो लिया है, और ये 4 हरी मिर्च लिए हैं। तो सबसे पहले हरी मिर्च के ऊपर की डंडी निकाल देंगे, और आप हरे धनिया को अच्छे से साफ करके वॉश कर लें, और इसमें जो ऊपर की डंडी है ना हम इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छी सी स्मेल होती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, धनिया को काट लेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे जो चटनी है ना पीसने में आसानी हो जाती है, आराम से ग्राइंड हो जाती है। तो इस तरह से मिर्च को भी छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मिर्च मैंने कट कर लिए हैं। अब लहसुन को जो मैंने भिगोया था ना उसको भी देख लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए, तो ये देखिए लहसुन कितनी आसानी से छिल रहा है। तो इस तरह आपको किसी भी चीज़ में लहसुन डालना हो तो पानी में अब 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए, और फिर बहुत ही आसानी से ये छिल जाता है। तो इस तरह से हम सारे लहसुन को छील लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे लहसुन छील लिए हैं, अब इनको भी इस चटनी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच नमक, और ये मैं डाल रही हूँ 1/4 स्पून साइट्रिक एसिड, इसको टाटरी नींबू का सत भी बोलते हैं। इसके जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी चटनी जो है ना वो खट्टी भी करनी है। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच दही, दही से हल्का खट्टा टेस्ट भी आएगा और जो हमारी चटनी का कलर है ना वो बिल्कुल हरा रहेगा। और यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच पानी, पानी आप बीच में ज़रूरत हो तो भी डाल सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे हरे धनिए की चटनी पिस चुकी है, और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है इसका, बिल्कुल हरा एकदम कलर आया हुआ है। तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी तरीके से चटनी बनाएंगे तो आपकी हरी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।